आगर मालवा से खबर, जहां सालरिया पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। गोपाष्टमी के मौके पर कामधेनु को अभ्यारण में कार्यक्रम है। सीएम 11 गायों का पूजन करेंगे। सालरिया अभ्यारण में गौ पशुपालन अनुसंधान केंद्र बनेगा। गौ पूजन के बाद संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। संगोष्ठी में देश भर से 14 विशेषज्ञ आए हैं। तो इससे पहले भी सीएम हाउस में हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की थी, और गोपाष्टमी के मौके पर फिलहाल जानकारी मिल रही है कि गोपूजन का ये कार्यक्रम चल रहा है, और ये कुछ तस्वीरें मिल रही हैं। तो 11 गायों का पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो सालरिया अभ्यारण्य में गौ पशुपालन और अनुसंधान केंद्र बनेगा। पीयूष हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। पीयूष, गोपाष्टमी का ये मौका और सीएम शिवराज सिंह चौहान 11 गायों का पूजन कर रहे हैं, कैसी तस्वीरें वहां पे दिखाई दे रही हैं? देखिए बिल्कुल करिश्मा, गो कैबिनेट बनने के बाद में ये पहली जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान का आगर मालवा जिले के जो सालरिया जो अभ्यारण है वहाँ पर दौरा है, और सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर गौ पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले विधि विधान के साथ पूजन होगा, और फिर जो गाय है यहाँ पर उनका भी यहाँ पर निजी तौर पर पूरी विधि विधान के साथ में पूजन किया जाएगा। दरअसल सीधे तौर पर गौ संरक्षण को लेकर जो सरकार की कोशिशें हैं उसी के तहत कहीं कहीं कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और साथ ही संत समाज भी विशेष तौर पर यहां पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि गौ संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर अहम कदम बढ़ाएगी, और साथ ही ये जो सालरिया गो अभ्यारण है इसे भी यहाँ पर और डेवलप किया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो 24 शेड यहाँ पर बनाए गए हैं, हजारों की संख्या में गाय यहाँ पर मौजूद भी है, और उनके संरक्षण को लेकर यहाँ पर लंबे समय से काम भी किया जा रहा है। और साथ ही अब इसी कहीं ना कहीं अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर सीधे तौर पर गौ पूजन के बाद में वे जनता से भी रूबरू होंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और उसके साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, संत समाज है, गौ संरक्षण से जुड़े हुए जो अलग अलग सामाजिक संगठन है उनसे, उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी उनकी चर्चा होगी। ठीक, तो इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम है? जैसा कि पीयूष आप बता रहे हैं, करीबन कितनी देर तक ये गौ पूजन का कार्यक्रम चलेगा? तकरीबन एक घंटे पर ये कार्यक्रम होगा, और इसके बाद में जो प्रबुद्ध जन है, संत समाज है, और जो गौ रक्षा समिति है अलग अलग है, उनके पदाधिकारी से तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी, भेंट होगी, और सीएम शिवराज सिंह चौहान गो संरक्षण को लेकर क्या सुझाव हो सकते हैं सुझाव भी तमाम लोगों से यहाँ पर जुटाएंगे, और उसके बाद में सीधे तौर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पीयूष जुड़ने के लिए। तो आपसे कुछ ही देर के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा करेंगे, और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे।